एवरी वन वेलकम वेलकम बी ग्रेट सो टूडे वी विल सी हु इज कीपिंग टैप ऑन यू और वो किस लिए आप टैप्स रखते हैं द फर्स्ट वन इज दिस त्रिशूल ओके सेकेंड वन इज दिस ईयर रिंग ओके तो इनमें से आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप मेडिटेट करके चूज कर लीजिए अपना पसंदीदा पाइल राइट मूव अड विद पाइल नंबर वन हाई वेलकम बैक पाइल नंबर वन जिन्होंने भी ये चूज किया है इसको ब्लैक कलर बहुत पसंद होगा इस लड़के या लड़की को इसको ये शिव भक्त हो सकता है त्रिशूल हो सकता है इसके घर में छोटा सा इसने रखा हो या फिर ये डेली मंदिर जाता होगा ऐसा पॉसिबिलिटी है इसके पास ऐसा कोई बॉक्स हो सकता है जो बहुत ही खूबसूरत बॉक्स हो सकता है ओके ब्लैक कलर का ओके ऑक्सीडाइज बॉक्स हो सकता है जिसमें इसने कुछ संभाल के रखा हो चीज़ों को ओके लड़का है लड़की जो भी है ठीक है इसके पास डमरू हो सकता है ऐसा भी पॉसिबिलिटी है ओके भगवान जी का लेट्स सी हु इज़ कीपिंग टैप्स ऑन यू लव इज़ बिटर स्वीट तो ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए बिटर स्वीट होता है ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन थोड़ा झगड़ा थोड़ा प्यार आप दूर चले जाओ तो रोने लग जाएगा आप पास रहो तो आपसे लड़ाई करेगा ऐसा <laughs> लड़ाई करेगी राइट right? बिटर स्वीट है इसको आइसक्रीम खाने का बहुत शौक़ होगा ये वाले स्टिक वाले आइसक्रीम्स बहुत पसंद हो सकते हैं कोल्ड एंड um, कभी कोल्ड कभी बहुत प्यार बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यार निछावर करते होंगे आप पे कभी कभी गुस्सा करते होंगे कभी कभी दूर भाग जाते होंगे ऐसा ओके okay? ऐसा कोई इंसान हो सकता है नेक्स्ट uh, <laughs> okay? इज दिस पर्सन वॉन्ट डू आप देख सकते हो ये आपको कैरी करना चाहते हैं ओके उसके बाद दिस पर्सन वॉन्ट डू किसी ओके आपको बहुत प्यार करते हैं ओके दिस पर्सन लव्स यू अलॉट क्योंकि ये इमेज ही इतना खूबसूरत है कौन है ये इंसान जो आप पे टैब्स रखते हैं अगर लड़की की बात करें जैक ऑफ डायमंड्स जैक ऑफ वॉन्ड्स हैं यहाँ पे इसके बाल घुंघराले हो सकते हैं कॉम्प्लेक्शन फ़ेयर ही रहेगा लंबा चेहरा हो सकता है ओके okay? फेयर ही कॉम्प्लेक्शन है येलो कलर इस लड़की को लड़के को बहुत पसंद हो सकता है बेसिकली लड़की का ही देख रहे हैं तो इसको ऐसे बाल बनाने का बहुत शौक़ होगा शी इज़ वेरी क्लासी ओके कपड़े पहनने का ढंग बहुत अच्छा हो सकता है वेरी वेरी क्लासी तरीके से रहता होगा रहती होगी वेरी स्मार्ट आंखें ब्लूइश हो सकती ग्रे हो सकती हैं हल्की सी भूरी हो सकती हैं uh, नोज थोड़ा सा चपटा हुआ हो सकता है ओके बट पर्सनैलिटी बहुत खूबसूरत है अगर लड़के की बात करें तो वेरी हैंडसम जब आपने इसको फर्स्ट टाइम देखा होगा ये जिम से आ रहा होगा या फिर जब भी आपने इसको देखा होगा ब्लैक टी शर्ट में इज़ वेरी हैंडसम मीनिंग वेरी सीरियस बॉय ऐसा नहीं है कि यू नो जैसे कुछ होता है ना हंसते रहते हैं वैसा नहीं है ये कोई ऐसा इंसान है जिसने अपने बालों पे स्पाइक्स लगाया हो सकता है वेरी स्मार्ट बॉय उसके चेहरे पे आपको कभी हंसी नहीं दिखेगी वेरी लविंग काइंड वेरी क्लासी लड़का हो सकता है इसका चेहरा बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है इन देंस कि बाकी लड़कों की तरह नहीं है ओके यू आर वर्दी ऑफ लव सन को लगता है कि आप बहुत लविंग है केयरिंग है आपको रोज देना चाहते होंगे और आपको लव मिलना चाहिए एक्चुअली में ओके okay? थाटलेस रिस्क बट इसको आपकी तरफ आने में बहुत सारे रिस्क हैं ये फैमिली हो सकता है कलीग्स हो सकते हैं कोई भी एक्सफाइजी लोग हो सकते हैं जो आ, आपके कनेक्शन को बनने नहीं देना चाहते ट्लैम कनेक्शन है ना बहुत सारे लोग बीच में रहते हैं ए से इसका नाम हो सकता है ए है ना यहाँ पर तो ए से हो सकता है ओके okay. नेक्स्ट है कम्फर्ट जोन लेसी इनटिव तो हो सकता है कि इसके पास एक डॉग हो ऐसा ब्लैक एंड वाइट वाला एंड ये बंदा थोड़ा कंफर्ट जोन में रहता है देखिए बैक साइड में पंजाबी गाना चल रहा है तो ही कैन बी अ पंजाबी ऐसा पॉसिबिलिटी है गाड़ी में ओके okay? इसके पास एक कार हो सकती है वाइट ब्लैक कोई भी हो सकता है ओके okay? ये कंफर्ट जोन में रहता है बहुत लेज़ी हो सकता है हल्का सा इनएक्टिव भी हो सकता है सोशल मीडिया पे ओके लुक फॉर अ साइन इसके नाम बर्थडे हर जगह आपको दिखेंगे हर जगह ओके okay? ऐसा पॉसिबिलिटी है आ, इसका नाम आपको जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ दिखेगा बिल बोर्ड पर दिख सकता है इसका नाम आ, इसके फैदर्स दिख सकते हैं क्लाउड्स दिख सकते हैं आपको ये सारी चीज़ें हो सकती हैं ओके नेक्स्ट है सुपीरियर okay? ये आपका सीनियर हो सकता है मीनिंग आप जहाँ काम करते हो वहाँ पे हो सकते हैं ये पर्सन जो आपको टैब्स रख रहे हो आपके टीम लीड हो सकते हैं आपके मैनेजर हो सकते हैं है, ऐसा पॉसिबिलिटी है ओके okay? आप इस इंसान से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो किसी ना किसी तरीके से कॉलेज में अगर बात करते हो स्कूल में अगर बात करते हो तो कहीं कही ना कहीं आप कनेक्टेड हो इस बंदे से ऐसा नहीं कि कनेक्शन नहीं है कोई आपके ठारो की तरफ चले तो आपका कार्ड है पहला पेज ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ट्स पेज बोलिए सॉरी गलती हो गई चैरियट है यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्ट्स तो कौन कौन आप पे टैप्स रखता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं फाइव ऑफ वॉन्ट्स है ना तो फाइव ऑफ वॉन्ट्स क्या रिप्रेजेंट करता है सैटर्न इन लियो तो लियो हो सकता है ये बहुत सारे लोगों के लिए कैंसर हो सकता है ए कैंसर स्कॉर्पियो एरिस लियो लियोसैज बट लियो और कैंसर यहाँ पे सबसे हैवी है इस रीडिंग पे ओके सो सैटर्न इन लियो है तो ये यह बंदा यहाँ पे बहुत सारे लोग जो आप पे टैप्स रखते हैं या इन दो, दो लोग हो सकते हैं स्पेसिफिक नाइटोफों एंड चैरियट बट सो मैनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन यू और कीपिंग टैप्स ऑन यू और जो ये एफ्रीकन स्टिक्स होते हैं ना ये दिस आर एफ्रीकन डोंगा बोलते हैं इसको ओके okay? ये रिप्रजेंट करता है चैलेंज तो यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ ये ये लोग आपकी तरफ एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि इनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है जब आपसे बात करने की बारी आती है ओके एंड इट कैन बी मोर देन सेवन पीपुल मोर दैन टू पीपल ओके ऐसा भी हो सकता है मल्टीपल पीपल आर इंटरेस्टेड इन यू मल्टीपल पार्टनर्स नेक्स्ट इस नाइट ऑफ वॉन्ड्स तो नाइट ऑफ वॉन्ट्स क्या दर्शाता है कि ये लोग ज़्यादातर आप पे सेक्शुअली इंटरेस्टेड हैं यू आर लाइक वेरी स्मार्ट हो सकते हो आप आपका हेयर स्टाइल बहुत पसंद हो सकता है आँखें वेरी वेरी यू नो लाशस हो सकते हो आप यू नो यू आर फिगर कैन बी वेरी गुड people are like attracted towards you because you have a personality and a persona of yours that's why okay isiliye wo tabs rakhte hain aapke upar and chariot ke sath ye koi cancer ho sakta hai heavy cancer jo aapke bina reh nahi sakta इसको आपके साथ victory चाहिए ही चाहिए ये आपके साथ एक घर बनाना चाहते होंगे आपको एक gift करना चाहते होंगे घर यहाँ पे पीछे घर है ना इसीलिए इसके बाद लंबे हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ओके ही इज लाइक वेरी फास्ट ड्राइवर यहाँ पे वो बना हुआ है ना इसके पास फरारी हो सकती है फरारी का साइन है यहाँ पे फरारी या फिर एक बहुत अच्छी गाड़ी हो सकती है बी एम डब्ल्यू रोल्स रॉइस ब्लैक वाइट हो सकता है वो कलर ओके रेंज रोवर कुछ भी एक बहुत ही कुछ भी एक बहुत अच्छी गाड़ी हो सकती है इसके पास ओके okay? तो ये इंसान आपके साथ फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहता है बट इसको चैलेंजिंग लगता है यहाँ दिस पर्सन वॉन्ट बी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप विद यू क्यों चैरिट है ना इसी कमिटमेंट देना चाहते हैं ये आपको ये पर्सन आपको लॉन्ग ड्राइव्स पे ले जाना चाहते हैं आपके साथ इलोप करके बहुत इंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ फ्री होना चाहते हैं ये पर्सन दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट ओके ऐसा पॉसिबिलिटी है इन दोनों इन सारे ऑप्शन में से सबसे अच्छा ऑप्शन कैंसर है तो ये पर्सन आपको चेकआउट करते हैं ओके okay? टैब्स रखते हैं आप पे ये क्यों करते है? इनका ऑफिस आपका ऑफिस पास पास होगा इर्द गिर्द वो आपको देख सकते हैं ओके okay? ऐसा भी पॉसिबिलिटी है ओके okay, ऐसा हो सकता है कुछ लोगली फोर फाइव परसेंट पीपल। वाई दिस पर्सन इज़ कीपिंग टैप्स ऑन यू बिकॉज प्लेफुलनेस है यहाँ आप पे उसको आपका प्लेफुल एनर्जी मस्ती मज़ाक इन्जॉयमेंट करना हंसना खेलना कुरकी रखना चीज़ों को आपका हंसाना लोगों को आपका यू uh, नो you know, एक बटरफ्लाई की तरह उड़ते रहना यू नो इधर से उधर उड़ते रहते होंगे घूमते रहते होंगे डांस करते रहते होंगे मस्ती करते रहते होंगे गाना गाते होंगे इन्जॉय करते होंगे वो इसको बहुत पसंद है ओके यू आर लाइक अ वेरी क्यूट बेबी ओके दैट्स वाई उसको आपका प्लेफुल uh, एनर्जी बहुत पसंद है ओके दैट्स वाई ओके इस इंसान को आपका नेचुरल ब्यूटी बहुत पसंद हो सकता है अच्छा लगता है वो आप अगर यू you नो know, यहाँ पे पिंक पिंक लगाते हैं तो वो भी उसका अच्छा लगता है बालों पे फ्लावर्स लगाते हैं उसको अच्छा लगता होगा बर्ड्स आपके आसपास आके बैठते हैं आप उनसे प्यार करते हो उनको अच्छा लगता है ओके यू लव नेचर दिस पर्सन ऑल्सो लव नेचर ओके इनको आपके ब्यूटी से बहुत ये मेसमराइज हो गया है ओके okay? तो नाइट ऑफ वॉन्ट्स अर्थ साइन को भी दर्शाता है ठीक है तो कोई अर्थ साइन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस पर्सन आपके ब्यूटी और आपके प्लेफुल नेचर से फ़िदा हैं ओके दैट्स वाई दे आर कीपिंग टैप्स ऑन यू बाकी सब भी आपको सिर्फ क्लेंस करना है अपना स्पेस अगर आप चाहते हैं या आपको कांटेक्ट करें आपकी तरफ आए आपका घर बिल्कुल साफ़ रखना जैसे कुछ लोगों को ओसीडी होता है ना वो बहुत सफाई रखते हैं घर में एक एक चीज़ एक एक जगह रखे होते हैं कोई गंदगी नहीं मिलेगी एक मिट्टी का बूंद भी नहीं मिलेगा ओके okay? ऐसे ही ये हो सकता है ये लड़का और आप सफाई ना रखते हो तो आपको रखने की जरूरत है आपके बैक साइड में ऐसा कोई टैटू हो सकता है मून वाला ओके okay? एसेंशन का टैटू आपको अपना स्पेस क्लीन रखना है तो ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे नाइन है यहाँ पे तो नाइन डेज में ये इंसान आपको कांटेक्ट कर सकते हैं आपकी तरफ आ सकते हैं ओके जस्ट क्लेंस योर स्पेस एंड बी क्लीन हमेशा क्लेंस क्लेंजिंग रहे और मंदिर जाते तो मंदिर जाएं डेली मॉर्निंग में उठ के वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा और मेडिटेशन तो आपको करना ही करना है ब्रह्म मुहूर्त में और जब भी भी आपको समय मिले तब उस वक्त आपको करना ही करना है सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू डू ओके सो तब तक ये कॉन्टैक्ट कर लेंगे चलते हैं फाइल नंबर टू की तरफ हाई वेलकम बैक फाइल नंबर टू जिन्होंने भी ये चूज़ किया इसको वैसे बड़े हुप्स पहनने का शौक़ हो जा रही की तरह घूमना अच्छा लगता होगा घूम घुमक्कड़ हो, गुम, हो सकती है लड़की इसको घूमना बहुत पसंद होगा इसको ट्रैवल करना अच्छा लगता होगा इंडियन वेयर में अगर आप इस लड़की को देख लोगे तो देखते रह जाओगे साड़ी और सूट में इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल शी इज लाइक शी कैन कैरी इट लाइक एनी थिंग ओके लाइक यू नो ड्रीम गर्ल ओके समथिंग लाइक दै ये इस लड़के के पास कुछ ऑक्सीडाइज चीज़ें हो सकती है आपकी कान के बूंदे हो सकते हैं ऐसा पॉसिबिलिटी है इस लड़के के पास एक बहुत बड़ा घर हो सकता है यही मैसेज आ रहा है आपके लिए ठीक है अ बिगर होम ओके समथिंग लाइक दैट आपके स्टिकर की तरफ चले तो ये आपको इंटरनेट से मिला होगा ये इंसान इनसे आपकी बात हो रही होगी इसने आपका फ़ोन हैक किया हो सकता है ये आपका फ़ोन देखता रहता हो चौबीस घंटे ऐसा पॉसिबिलिटी आपने अगर इसको फ़ोन दिया है तो नहीं तो वैसे व्हाट्सएप या कहीं से भी इसने हैक किया हो इसको पता है आप कहाँ कहाँ जाते हो आप कहीं दूर जा रहे हो उसको पता है वो आपको फ़ोन कर देगा ऑल दीज थिंग्स फूड ही हो सकता है ये इसको फूड खाने का बहुत शौक हो सकता है आप दोनों बहुत क्यूट हो सकते हो ऐसा पॉसिबिलिटी है ही इज़ लाइक वेरी स्वीट बॉय ओके इसने कोडिंग सीखा हो आपने सीखा हो इसको खाना खाने का बहुत शौक होगा बहुत ऑर्डर करता होगा बाहर से खाने उल्टे पुल्टी चीज़ें खाता होगा आपको भी हो सकता है इस साल आप दोनों ने बहुत ज़्यादा खाया हो बाहर से ऐसा पॉसिबिलिटी है ही इज अ वेरी नाइस बॉय वो आपको किसी डेट पे ले जाना चाहता है खाने पीने के लिए एंजॉय करने के लिए आपसे बात करना चाहता है बहुत सारी ओके okay, खाते खाते <laughs> ये बहुत फूड ही हो सकता है दावर तो कौन है ये इंसान अगर लड़की की बात पूछे तो ये इसको मूव कलर घुंघराले बाल हो सकते हैं कॉम्प्लेक्शन डार्कर से फेयर की तरफ जा रहा है हो सकता है इसकी ऑलरेडी तीन रिलेशनशिप में हो या दो में हो डि विडो कुछ भी हो सकते हैं ओके okay? अभी अभी इनका ब्रेकअप हुआ ऐसा पॉसिबिलिटी है या ये पास्ट में कोई थर्ड पार्टी में रहे हो टावर है ना इसीलिए दैट्स फाइन मूव कलर इसका फेवरेट होगा इसके दीवारों पे हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी है लड़की इट्स लाइक वेरी शाई गर्ल नीचे को देख रही है ना ये इसीलिए वेरी कम्पेशनेट लविंग ठहरो रीडर्स एस्ट्रोल एस्ट्रो आई एम एम्स रिली सॉरी ठहरो रीडर्स एस्ट्रोल एस्ट्रॉनर्स ये सारी चीज़ों में हो सकते हैं एम्पति um, का कुछ भी काम हो ओके okay, उसमें सब हो सकते हैं नर्स हो, है, हो सकते हैं डॉक्टर हो सकते हैं वेरी कंपेशनेट गर्ल ओके रेकी में हो सकते हैं रेकी मास्टर हो सकते है, हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पे लड़के की बात पूछें तो इस लाइक फेयर कंप्लेक्शन हो सकता है घुघराले फेयर डार्क टू फेयर कैप लगाने का शौक हो ब्लू इसका फेवरेट मूव ब्राउन ये सब इसका फेवरेट बूट्स पहनने का शौक़ हो वेरी स्वीट बॉय वेवी टू घंघराले बाल हो सकते हैं लड़के के और लड़की को पिंक कलर भी बहुत पसंद हो सकता है ओके सो दिस पर्सन जो भी आप पे टैप्स रखते हैं वो आपका हैंड होल्ड करना चाहते हैं और सबके सामने घूमना चाहते हैं <laughs> आपको दिखा के ओके दिस इज अ वेरी लविंग काइंड बॉय ओके वर्ल्ड तो हो सकता है इसने वर्ल्ड ट्रैवल किया हो ओके बहुत सारे लोग जानते हो इसके घर में बहुत फ्लावर्स आते हो इसके लिए ओके okay, फूल इसको कोई भेजता हो सकता है फेमस हो ऐसा पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए इसको फूलों से बहुत शौक़ होगा इसका खुद का गार्डन हो सकता है इसने बनाया हो इस लड़की ने लड़के ने वर्ल्ड है तो काफ़ी जगह घूमा होगा ज़रूरी नहीं बाहर गया होगा हो सकता है इंडिया में ही घूमा होके वर्ल्ड है ना इसीलिए कुछ लोग ले यू एस से कैनाडा एंड यूके से हो सकता है ये रिवाइवल री इसका आपके साथ कोई टिफ हुआ है या प्रॉब्लम हुआ है तो अब ये दोबारा से आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं जो भी आपके साथ री री करना चाहते हैं तो हो सकता है फाइव ईयर्स से आप इसको जानते हैं क्यों ये बैम्बू ट्री है बैम्बू ट्री पाँच साल यू नो सॉइल के अंदर रहता है उसके बाद सॉइल से निकल के बाहर आता है फिर वो बड़ा होता है ओके फाइव ईयर्स वो अपने यहाँ रूट्स बनाता है पहले ओके okay? ये इंसान आपके साथ रूट्स बनाना चाहते हैं बैम्बू ट्री आप बहुत ज़्यादा देखोगे जब इस इंसान के आने से पहले ऐसा पॉसिबिलिटी है दे वॉन्ट टू से सॉरी एंड रिस्टार्ट विद यू ये पास्ट का कोई हो सकता है न्यू होप न्यू स्टार्ट इसको पता है आप बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो या आपके साथ न्यूली स्टार्ट करना चाहता है क्योंकि आपने इसको अवेकिन किया हो सकता है इसको बुक्स के साथ जोड़ा हो सकता है ओके okay? कहीं ना कहीं ये गाने गाता होगा हार्ट सॉन्ग्स है यहाँ पे इसने आपके लिए गाना बनाया होगा आपने बनाया होगा आप दोनों ने एक दूसरे के लिए बनाया होगा इसको सॉन्ग्स में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है ही इज़ अ वेरी स्वीट बॉय ओके नेगेटिविटी नहीं है इसके अंदर ये किसी को नीचे नहीं करता है लव है ये इसके साथ आपके साथ ओल्ड होना चाहता है ग्रो करना चाहता है यहाँ पर डिवोटेड तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिवोटेड है एक इंसान का कॉम्प्लेक्शन डार्कर हो सकता है एक फेयरर हो सकता है एक के बाल लंबे हो सकते हैं ओनली फॉर फ्यू पीपल सब लोग लंबे बाल नहीं रखते तो ये डिवोटेड है आपके लिए भगवान जी से बहुत जुड़ा हो सकता है मंदिर जाता होगा और दिस थिंग्स ठीक है आपके लिए बहुत डिवोटेड है ये ये आपके साथ आना चाहता है कपोजिंग दिस पर्सन वॉन्ट टू प्रपोज यू टेक यू समे फॉर अ लॉन्ग ड्राइव और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट क्रिशन मून का दिन हो सकता है वो जब ये आपको प्रपोज कर सकते हैं ओके okay? इस इंसान के मन में आपके लिए बहुत लव है केयर है आपको बहुत चाहते हैं आपको बहुत इज्जत करते हैं मेन है सब रेस्पेक्ट करना तो ये बंदा आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता है बट कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा टावर मोमेंट आया होगा आप दोनों के बीच में जिस वजह से आप दोनों का एक सेप्टेशन आ गया होगा अब देखते हैं आपके ठाड़ो की तरफ तो आपका पहला कार्ड है फाइव ऑफ शॉर्ट्स नेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रेंथ लियो लिब्रा जमुना एक्वेरस इस रीडिंग पे छा रहा है टॉरस फर्गो केप्रिकॉन भी छा रहा है लियो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और पाइसिस कैंसर ये सारे सनसाइंस हो सकते हैं बट बाकी मैंने आपको मेन सनसाइंस तो बता ही दिया तो लिब्रा जमुना एक्वेरस के साथ कहीं ना कहीं फाइवो सॉर्ट्स के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का जो झगड़ा हुआ था उसमें आ, हार जीत चली होगी ओके इसने आपको डिफ़ीट करने की कोशिश करी होगी इसने अपने आप को भगा दिया होगा अपने जीवन से और रो रहा होगा खुद ही आपको याद करके ये आ, आ, बंदा यहाँ से ये लड़की यहाँ से हाथ बुला रही है बट ये जा चुका है बट ये जा चुकी है तो बहुत बड़ा झगड़ा हुआ हो सकता है या फिर फाइट हुआ हो सकता है ओके okay? तो नेक्स्ट लेवल पे चले गए हो कोई एक इंसान तो ये एक इंसान भाग गया हो ठीक है ऐसा पॉसिबिलिटी है या इसको आदत हो सकती है भागने की इस लड़की को ठीक है स्पेशली यही दिख रहा है जो भी आप पे टैप्स रखते हैं ओके सो जूपिटर एंड लीब्रा बोलते हैं इस कार्ड को बेसिकली फाइव ऑफ आर्ट को तो लीब्रा इसका सनसाई हो सकता है शाई बॉय हो, हो सकता है uh, समझदार हो सकता है इंटेलिजेंट हो सकता है मासूम हो सकता है सब चीज़ें हैं इसमें बट इस इसको ईगो और गुस्सा तेज हो सकता है ठीक है छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाता हो ऐसा पॉसिबिलिटी है और यू you नो know, बहुत ही अबंड बच्चा हो सकता है घर घर बार इसका बहुत अच्छा हो सकता है ओके ऐसा पॉसिबिलिटी है आ, ये बंदा आपसे नेगोशिएट करना चाहता है आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई है उसको ठीक करना चाहता है ओके ई वॉन्ट फ्लेक्सिबिलिटी विद यू और इसको पीसफुल लगता है आपके साथ आपके साथ पीस बनाना चाहता है ये जो भी फाइट हुई हो उसको ये हटाना चाहता है कहीं ना कहीं ओके okay? अब स्ट्रेंथ है तो लियो हो सकता है हैवी लियो क्योंकि हमारे पास दो मेजर का है सैजिटेरियस और लियो ये दोनों सनसाइन इसके हो सकते हैं ठीक है थीके? ऐसा पॉसिबिलिटी है दिस इज लाइक ये एक पैशनेट लवर है इसके मन में बहुत पैशन होता होगा आपको देख के ओके वेरी वेरी सेक्शुअली ड्रिवन टूवर्ड्स यू इसको ना आपका ब्रिलियंस बहुत पसंद है लियोज आर लाइक वेरी स्मार्टर पीपल आप लियो हो सकते हो तो वो लोग बहुत समझदार होते हैं पढ़े लिखे होते हैं वो गोल ड्रिवन होते हैं हमेशा उनका ध्यान अपने गोल पे होता है इधर उधर नहीं होता तो ही वॉन्ट टू बेसिकली लव यू फॉर योर ब्रिलियंस ओके इसके अंदर बहुत इनर स्ट्रेंथ है ओके okay? बट इसके अंदर डर भी है कि आप इसको मना कर दोगी, यहाँ पे पानी झलक रहा है तो हो सकता है आपकी तरफ आए तो आप शायद इसको गुस्सा करो इसको मना कर दो ओके okay? बट यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है तो हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो कार्मिक ट्विन फ्लेम हो सकता है ये आपका कुछ लोगों के लिए ओके ओनली फॉर फ्यू पीपल सब के लिए नहीं है बाकी सबके लिए ट्विन फ्लेम ही हो सकता है क्योंकि सैजिटेरियस भी है ना हमारे पास इसीलिए इस बंदे ने आपको फ़ोन हैक किया हो सकता है ये आपका चेक करता रहता हो फ़ोन आप क्या कर रहे हो किससे बात कर रहे हो कहाँ जा रहे हो सब पता होगा इसको एवरीथिंग फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ एन इंजीनियर कोडिंग सीखा हो इसने कुछ भी सीखा हो सकता है इसने और दीज थिंग्स ओके टेम्पर सैजिटेरियस को दर्शाता है तो ये आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं कामर होना चाहते हैं ओके okay? उसको लगता है ये इजिली कनेक्शन है ओके okay? आपके साथ उसको शांति मिलती है पेशेंस मिलता है इस पर्सन को देखिए मिडिल पाथ इन बुद्धिज़्म ओके तो ये बुद्धिज़्म को बहुत मानता होगा मेडिटेशन में बहुत बिलीव करता होगा करती होगी हमेशा मेडिटेट करती रहती होगी यू you नो know, अपने जिन फ्लेम को पाने के लिए समथिंग लाइक दैट इसको बहुत ट्विन फ्लेम का एक फैसिनेशन हो सकता है मून का फैसिनेशन हो सकता है मून देखना ये सब पसंद हो सकता है ओके okay? तो डार्क एंड लाइटर साइड दिखाता है बुद्धिज़्म कहीं ना कहीं इसने अपने डार्क और लाइटर साइड में काम कर लिया है मोस्ट प्रॉबली आपने करा दिया होगा इसने करा दिया होगा आप दोनों ने एक दूसरे पे काम कराते रहते हो तो अवेक इन सोल है जो भी आप पे देख आपको टैप्स रखते हैं आपको देखते रहते हैं आप कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो क्या दिस पर्सन क्राई फॉर यू क्या रोता होगा आपके लिए लिबरा जब ना एक्वेरस है ना दे आर वेरी इमोशनल पीपल रोते हैं वो अपने पार्टनर्स के लिए मैंने अपने खुद के घर में देखा है ओके दे क्राई फॉर देर पार्टनर्स दे आर वेरी सैड फॉर देर पार्टनर्स ओके दिस पर्सन ड्रिंक्स ओके कभी कभी ड्रिंक करते होंगे ओके okay, जब झगड़ा हो जाता होगा आप दोनों में ओके समथिंग लाइक दैट ओके वाई दिस पर्सन इज़ यू नो Uh, keeping tabs on you because this person feel that यू very compassionate, very loving, very caring. आप अपने बारे में से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं आपके अंदर बहुत love है kindness है मे भी हो सकता है कि आप डॉग्स के साथ काम करते हो एनिमल्स राइट्स के लिए काम करते हो दूसरे बच्चों के लिए चिंतित होते हो के okay? uh, मदद करते हो यू नो लेस फॉर्चुनेट लोग ये सब चीज़ें इनको बहुत पसंद हो सकती हैं आप एक ठैर रीडर आप एक यू you नो know, uh, कोर्स के बारे में बात करना स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करना ये सारी चीज़ों में आप हो सकते हो बटरफ्लाइज आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे इस पर्सन के आने से पहले आने के बाद भी दिख सकते हैं ब्रीथ डीपली इस इंसान को आपका नेचर से कनेक्ट करना बहुत पसंद है आप अगर यू you नो know, आ, वो करते हैं अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं आपके पास में ही रहता है तो उसको वो सब पसंद है आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है वो अच्छा लगता है फूलों से बहुत प्यार है तो वो आपके लिए फूल लेके आया होगा किसी दिन ओके आ, आपको गिफ्ट करने के लिए वो इंसान आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं घूमने फिरना चाहते हैं आपके साथ नेचर में रहना चाहते हैं ऐसा पॉसिबिलिटी है ओके ये आपको गिफ्ट करना चाहते हैं बहुत सारे फ्लावर्स ड्रेसेस बूट्स ओके समथिंग लाइक दैट दिस पर्सन लव्स यू ओके ये ना एकदम प्योर लव है ऐसा कोई नहीं है वो नेगेटिविटी नहीं है जैसे कि वो आपसे जीतना चाहता हो ऐसा कुछ नहीं है बस एक बारी वो सेपरेशन तो आता ही है अच्छी फ्लेम कनेक्शन में तो वो एक इश्यू हो गया है दैट्स इट आपको इस इंसान को अपनी तरफ लाने के लिए सिर्फ क्रिएटिविटी करना है अब वो आप कुछ भी कर सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं कुछ भी कोई भी घर में बैठ के जस्ट डू एन आर्ट ओके सेवेंटीन इसका बर्थडे आपका हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी है तो आपको जस्ट देखिए यहाँ पे कोई काम चल रहा है ठीक है तो कहीं कही ना कहीं ये इंसान ने मैजिक किया हो सकता है आपको पाने के लिए ऐसा पॉसिबिलिटी ओनली फॉर फ्यू पीपल ठीक है इसको आर्ट आपको क्रिएट करना है कुछ भी बना सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं आपको अच्छा लगता हो आपको अपने साथ समय व्यतीत करना है तो ये इंसान आपकी तरफ आ सकते हैं यहाँ पे आपके हाथ में ऐसा एसेंशन का टैटू हो सकता है कुछ लोगों के लिए हाथों तो में यहाँ हो सकते हैं यहाँ हो सकता है के सो दिस वॉज योर रीडिंग ठीक है और ये इंसान कब तक आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे सत्रह दिन में ही आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे ओके okay? आपकी पर्सनल रीडिंग में भी यही आया होगा ओके सो दिस वॉ योर रीडिंग आई होप यू एन्जॉइड इफ यू एंजॉय इड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू रिक्वायर अ पर्सनल रीड डेफिनेटली यू कैन गो है एंड गो फॉर द सेम थैंक यू सो मच आई लव यू ऑल सी सी इन इन द नेक्स्ट वीडियो चाहो